यस बेटा, नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 सेज एक्स वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ए बी एंड डी सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. क्या मतलब है इसका? मतलब हमारे पास सबसे पहले एक पैरेललोग्राम गिवन है बेटे, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम गिवन है और जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं ए बी और डी सी, इनके हमें मिड पॉइंट्स गिवन है एक्स एंड वाई, एक्स वाई, ठीक है. ए वाई एंड डी एक्स आर जॉइंट इंटरसेक्टिंग एट एस. ए वाई एंड डी एक्स, ए वाई को जॉइन किया गया और डी एक्स को जॉइन करा गया किया गया और एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. सी एक्स एंड डी वाई, सी एक्स को जॉइन किया गया और बी वाई को जॉइन किया गया और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं आर पॉइंट पर. इसका मतलब ये एक कुछ क्वाड्रिलेटरल सा बन के तैयार हो रहा है जैसा मुझे दिख रहा है. एक्स एस वाई आर, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हुआ है. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है. देन एक्स एक्स आर वाई क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा या स्क्वायर होगा? ये कह रहा है क्या ये एक रेक्टेंगल होगा, क्या ये एक स्क्वायर होगा, क्या ये, अच्छा एक रोम्बस कह रहा है, ये रोम्बस है, क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा या फिर एक स्क्वायर होगा, ये हमें बताना है. अब ये तो सॉल्व करके पता चल पाएगी क्या होगा. क्वेश्चन समझ में आया? एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी अपोजिट साइड्स के हमें मिड पॉइंट गिवन है. कौन सी दो अपोजिट साइड्स? ए बी और डी सी, इनके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है एक्स और वाई. देन आफ्टर ए वाई को ज्वाइन किया गया, एक्स डी को ज्वाइन करा करा किया गया और ये एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है. इसी तरीके से डी वाई को ज्वाइन किया गया और सी एक्स को ज्वाइन किया गया और ये आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है. तो चेक करते हैं कि ये क्या होगा. अच्छा, सबसे पहले कुछ एक दो चीज़ें लिख लेते हैं बेटा कि अगर एक्स मिड पॉइंट है अगर x मिड पॉइंट है तो ए एक्स इक्वल टू एक्स बी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है. इसी तरीके से अगर y मिड पॉइंट है तो डी वाई इक्वल टू वाई सी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है क्या? ए बी सी डी मेरे पास एक पैरेललोग्राम है. तो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है क्लास, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी. सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी. इतनी बात हमें समझ में आती है, ठीक है. ये हमने क्वेश्चन को देख के लिखा. अब देखते हैं कि आप कैसे प्रूव करें. एक काम कर सकते हैं इसमें क्लास, हम ए एक्स सी वाई को कुछ प्रूव कर सकते हैं. हाँ कर तो सकते हैं. क्या प्रूव कर सकते हैं? ए एक्स सी वाई को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं. क्या प्रूव कर सकते हैं? एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं. देखो कैसे. देखो ध्यान देना, एज वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी ना, ये हमें गिवन थी कंडीशन, ठीक है बेटे. अच्छा
और हम यहाँ से एक चीज जानते हैं कि ए एक्स जो है वो एक्स बी के बराबर है। हाँ है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। तो क्लास एक बात बताओ, क्या मैं ए एक्स को हाफ ऑफ ए बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये जो ए एक्स है ये पूरी ए बी की क्या है, हाफ है। हाँ है, ठीक है। तो अगर मैं इस टू का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ ए एक्स। क्या बोलेंगे इसको, ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स। टू का मल्टीप्लाई कर दिया मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक बात बताओ कि डी वाई इक्वल टू वाई सी, ठीक है। तो क्या मैं वाई सी को हाफ ऑफ डी सी लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। इस वाई सी को मैंने इस पूरे की हाफ कह दी। हाँ है, बिल्कुल है। तो टू का यहाँ मल्टीप्लाई अगर हम करें तो डी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई सी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब इस फर्स्ट में ए बी और डी सी की वैल्यू रख दो। देखो तो यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट ट्वाइस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई सी। टू से टू कैंसिल तो ए एक्स इक्वल टू वाई सी। इसका मतलब ए एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई सी के। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ऑल्सो ध्यान देना, ए बी जो है वो पैरेलल था डी सी के, तो अगर ए बी पैरेलल है डी सी के क्लास, तो क्या इतना हिस्सा इसके पैरेलल नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। सो ए एक्स इज पैरेलल टू वाई सी। इस कंडीशन को हमने मान लिया ए और इसको मान लिया हमने बी। तो फ्रॉम ए एंड बी, ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। ए एक्स सी वाई क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इस क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये एक साइड मतलब ये साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स सी, ए वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू सी एक्स। क्लियर बात सबको, ठीक है। जो काम हमने यहां करा है वही सेम काम हमें इस वाले क्वाड्रिलेटरल के लिए करना है, एक्स बी वाई डी। तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में लिख देंगे हम। यहां पे एक वर्ड आया, सिमिलरली एक्स बी वाई डी, एक्स बी वाई डी इज अ पैरेलल। इसके लिए भी हमें सेम ही प्रोसेस करना पड़ता, ठीक है। तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे एक्स बी वाई डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटे। अच्छा, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल रही होगी और ये इसके पैरेलल भी रही होगी, बिल्कुल रही होगी। अब ध्यान से देखना बेटा, एक बहुत ध्यान से देखना, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो डी एक्स और वाई भी आपस में भी तो पैरेलल होंगी। तो अगर ये आपस में पैरेलल होंगी, ऑल्सो ये भी आपस में पैरेलल हैं, तो बेटा ध्यान देना इतना हिस्सा भी तो इसके पैरेलल होगा, होगा, और इतना हिस्सा भी इसके पैरेलल होगा, होगा। तो अगर ये इसके पैरेलल है, मीन्स ये अगर पैरेलल है किसके, इसके, और ये वाली साइड पैरेलल है इसके, तो एक्स आर वाई एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फिर से इस वाले क्वाड्रिलेटरल में
ये साइड इसके इक्वल भी है और ये साइड इसके पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम है। ऑल्सो एक्स सी एक्स और वाई ए ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये पूरे साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो इतने हिस्से भी तो आपस में पैरेलल होंगे होंगे। सिमिलरली ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये और ये आपस में पैरेलल हुए हुए ठीक। तो अगर ये पूरी साइड आपस में पैरेलल है तो इतने हिस्से भी तो आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। सी आंसर है इसका, तो एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें क्लियर अप्रोच समझ में आनी चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन होगा ठीक है। तो लास्ट में इतना सब कुछ ना लिख के मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, हेंस एक्स आर वाई एस इज अ पैरेलल। अप्रोच सी, अप्रोच सबको क्लियर हुई सबको ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है इफ ए पी बी एंड सी क्यू डी आर टू पैरेलल लाइंस। अच्छा, मतलब ए पी बी एंड सी क्यू डी ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है मुझे, ठीक है बेटे। ये क्या दिए गए, दो पैरेलल लाइंस, देन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू इसका मतलब मुझे इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। इसका बाइसेक्टर एंगल ए पी क्यू का, बी पी क्यू का बाइसेक्टर, सी क्यू पी का बाइसेक्टर और डी क्यू पी का बाइसेक्टर क्या बनाएंगे। क्वेश्चन समझो, दो पैरेलल लाइंस गिवन है मेरे पास, ए बी ए पी बी और सी क्यू डी ठीक है। इसमें जो ए पी क्यू का एंगल ए पी क्यू का जो बाइसेक्टर होगा और बी पी क्यू का जो बाइसेक्टर होगा और सी क्यू पी का बाइसेक्टर होगा और डी क्यू पी का जो बाइसेक्टर होगा वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं मेरे पास। सबसे पहला है काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम सबकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आप सबको, ठीक है। काइट की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्टेड राइट एंगल, ठीक है। डायगोनल्स के इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ट्रेपेजियम, अ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, समझे। ठीक है, तो इस एंगल का एक बाइसेक्टर होगा, मैंने मान लिया इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर यहां से एक एम पॉइंट है, ये मैं यहां से एक चीज कह रहा हूं कि एम पी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू, क्वेश्चन में गिवन है ठीक है। ऑल्सो एम क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी क्यू पी, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट मान लो एन, यहां पर ये एक एंगल बाइसेक्टर है इसका, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो एन पी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू का
और एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल एन क्यू डी का। ठीक है बेटे, ज्यादा कोई दिक्कत, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एंगल वन और एंगल टू आपस में इक्वल हो गए, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ठीक है, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। यहाँ से मुझे यही पता चला, अगर ये एंगल बाइस, अगर ये एम पी एक एंगल बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल बाइसेक्ट हो गया, मतलब एंगल वन एंगल टू के बराबर है, एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर। सिमिलरली ये एंगल फाइव यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल सिक्स के बराबर, और एंगल सेवन एंगल एट के बराबर। ठीक है बेटे, ये बात हमारी एक नॉलेज वाली बात थी। एक मिनट, एम पी एम क्यू एन पी, यहाँ पे एंगल सेवन आएगा है ना, एन पी ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये मिलके बनाएंगे क्या, मतलब क्यू एन पी एम क्या होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा, तो फाइंड करते हैं। चलो देखो, एक बात है कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, या फिर डी क्यू पी कह लो, डी क्यू पी, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बी पी क्यू, जिसको मैं फर्स्ट मान ले रहा हूँ, बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी, सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इसको सेकंड मान लो। अच्छा, अगर ये पूरा एंगल इसके इक्वल है तो इस ए पी क्यू को, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब एंगल वन इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल थ्री, ठीक है। ध्यान देना, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। क्या मैं इस एंगल वन को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू, ये इस वाले एंगल को, इस पूरे एंगल का हाफ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, और एंगल टू को भी लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए पी क्यू जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ एंगल वन हो गया, और एंगल ए पी क्यू जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ एंगल टू हो गया, जिसकी ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले दो एंगल की ज़रूरत पड़ी, डी क्यू पी। अब ध्यान देना, एंगल सिक्स को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी, डी क्यू पी, तो एंगल डी क्यू पी जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ एंगल सिक्स हो गया, और एंगल फाइव को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी, तो एंगल डी क्यू पी जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव हो गया, ठीक है बेटे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, अब एक काम ही कर सकते हैं, सोचो एक बात सोचना, अगर एंगल टू एंगल फाइव के इक्वल हो जाए, अगर एंगल टू एंगल फाइव के इक्वल हो जाए, तो एम पी मतलब पी एम और एन क्यू ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी, इससे पहले वाली क्वेश्चन में जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स हैं, इसका मतलब हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना,
फ्रॉम फर्स्ट मैं एक चीज लिख सकता हूँ ए पी क्यू की जगह लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल टू और डी क्यू पी की जगह लिख सकता हूँ मैं ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव. तो एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव. विच आर ये कैसे एंगल्स हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने. अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बेटे, तो PM QN के पैरेलल हो गई. अब आप कहोगे कि सर अगर एंगल सेवन एंगल थ्री के इक्वल आ जाए तो QM PN के भी पैरेलल हो जाएगी. बिल्कुल सही बात है ना. तो यहां से हम एक चीज लिखेंगे बस, यहां से हम एक चीज वही लिखेंगे कि सिमिलरली एंगल सेवन इज इक्वल टू एंगल थ्री. ठीक है, सेकेंड की मदद से जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन फर्स्ट के लिए लिखी है ना, वही सेम ऑब्जर्वेशन मैं सेकेंड के लिए लिखता, बस एंगल के नाम चेंज हो जाते बेटा, और कुछ भी नहीं था. तो एंगल सेवन इज इक्वल टू एंगल थ्री, ये भी कैसे एंगल्स हैं? विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं देन क्यू एम इज पैरेलल टू एन पी. ठीक है, इतनी बात क्लियर. तो इसका मतलब अभी हाल फिलहाल के लिए दिख रहा है मुझे क्यू एम पी एम एक पैरेललोग्राम बन गया है. क्या बन गया है? QNPM एक पैरेललोग्राम बन गया है. सो QNPM इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में अच्छा पैरेललोग्राम ऑप्शन में दे रखा है? मैं ऑप्शन में तो नहीं है, अगर होता तो आंसर ऑफ तो आंसर पैरेललोग्राम हो जाता. अच्छा यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, काइट तो है ही नहीं है. ठीक है, ऑल फोर साइड्स इसकी इक्वल आ रही है कहीं पे? नहीं आ रही है. ट्रेपेजियम भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है. होने को रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल के लिए ईच एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए. तो देखते हैं कुछ तिकड़म लग सकती है इसमें. देखो एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन लीनियर पेयर. ठीक है तो इस सी क्यू पी क्या मैं इसकी जगह कैसे लिख सकता हूँ? सी क्यू पी ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री, क्योंकि ध्यान देना एंगल थ्री को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी. हाँ लिख सकते हैं सर, जैसा हमने ये ऑब्जर्वेशन लिखी थी सारी, है ना. तो एंगल सी क्यू पी कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री. टू का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको बोलेंगे कैसे हम? ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री. सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव इक्वल टू 180 डिग्री. टू कॉमन ले लिया हमने, तो जब टू यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव का मतलब हो गया ये पूरा कंप्लीट एंगल, एंगल क्यू. एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर. एंगल क्यू क्या हो गया? 90 डिग्री. तो सोचना पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. अगर ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 हुआ, और बाकी भी क्या होंगे? 90 होंगे. क्यों होंगे? सुनो ध्यान से, अगर ये इसके पैरेलल है, सुनना ध्यान से,
वैसे ये दोनों एंगल 90 डिग्री आ गए, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये क्या काम करेगी, एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। फिर से ये दो साइड अगर पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा सर, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री इसीलिए हो जाएगा क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। या फिर इसको लिख लेते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंगल क्यू इक्वल टू 90, डेट मीन्स विच इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बाकी के दोनों एंगल भी बेटा हमारे 90 डिग्री बनेंगे। देखो कैसे, ये अगर एक पैरेललोग्राम में क्यू एन पी एम, ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, ठीक है। तो सोचना, अगर ये मेरा पैरेलल है इसके, तो ये एक ट्रांसवर्सल हुई, ठीक है। अगर ये दो साइड हैं, ये एक ट्रांसवर्सल हुई, और अगर ये 90 है, और ये बात आप जानते हो, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, वेरी गुड। तो एंगल पी प्लस एंगल एन का सम 180 डिग्री, क्यों, को ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। कौन से एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एन की वैल्यू क्या आ गई, 90, क्योंकि पी 90 इधर जाके माइनस हो गया, एंगल एन की वैल्यू कितनी हो गई, 90। तो अगर एन मेरा 90 है तो एम भी कितना हो गया, 90 हो गया। फिर से क्यू एन अगर एम पी के पैरेलल है तो पी एन किसका काम कर रहा होगा, ट्रांसवर्सल का। तो अगर ट्रांसवर्सल का काम करता होगा तो इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन से एंगल्स कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, अगर पी 90 प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एन की वैल्यू क्या हो गई, 90। अगर एंगल एन 90 है तो एंगल एन भी 90 डिग्री होगा, इसीलिए ए बी सी डी ए वो क्यू एन एम पी ए रेक्टेंगल है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वेरी अच्छा क्वेश्चन। अब हमारा एक डाउट वाला क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है बेटे।